हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारतवर्ष का रूप और स्वरूप है उसकी जो शुरुआत थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के एक तरह से निर्माता भी थे आधुनिक भारत के, और हम उन्हें आज याद करते हैं। और आज के ही दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों में वो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे, और वो ये इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि बच्चे इस देश का भविष्य है, बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किया। आज भारत जो इन ऊंचाइयों को छू रहा है उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था आप सभी जानते हैं कि सुई तक नहीं बनती थी, किन विषम परिस्थितियों में हमने आज़ादी पाई थी। उसके बाद वो उनकी सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी कि उस समय उन्होंने IITs, IIMs और बड़े बड़े बांध बनाए, वो इन बांधों को मंदिर कहते थे, तो वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान में प्रगति करने के साथ साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति उसको भी हमको साथ लेकर चलना है। तो आज हम लोग उस महान विभूति को, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो जयंती है उस पर हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं और अपने बाल दिवस के रूप में उन्हें हम लोग मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CD चैनल, शिमला।